और इधर विधायक सरयू राय ने कहा है कि वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और भारतीय सेना अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि चीन में तानाशाही हटाकर लोकतंत्र बहाल करने की जरूरत है, कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाना होगा। हमेशा से अलोकतांत्रिक देश है, कम्युनिस्ट तानाशाही वाला देश है, वहाँ की प्रजा खुद ही जब भी आगे आती पिटती रही है। वो विस्तार करना चाहता है, कोरोना का वायरस दुनिया में फैलाकर अस्थिरता पैदा करना उसकी एक रणनीति है, और पड़ोसी राज्यों पर केवल भारत ही नहीं, अगल बगल जितने ही लोग हैं, पड़ोसी देश हैं, सबों के विरुद्ध उसको आक्रमण करने का इरादा है। भारत की नीति अब ये होनी चाहिए कि चाइना में लोकतंत्र की स्थापना हो। इतनी बड़ी आबादी वाला देश तानाशाही शासन में रहे, ये ठीक नहीं होगा। चीन का जो आक्रमण होगा, भारत की सेनाएं उसका सामना करने के लिए सशक्त हैं, और भारत की जनता भी पूरी तरह से अपनी सेनाओं